नमस्कार, मेरा नाम पंकज झा है और मैं एक अभिनेता हूँ। थिएटर से बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ, थिएटर मेरा बैकग्राउंड रहा है। अभी रिसेंटली मैंने महारानी एक वेब सीरीज है, उसमें दिवाकर झा का किरदार निभाया, लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत प्यार दिया है। और इसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जो मेरे आने वाले हैं। तो बेसिकली आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है आज़ादी का अमृत महोत्सव। हम इस साल मना रहे हैं 76वां जो आज़ादी का जो ये स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे, चूँकि 75वें स्वतंत्रता दिवस में जैसे हमने प्रवेश किया तब से ये शुरू हुआ है, आज़ादी का अमृत महोत्सव की घोषणा हुई है। देखिए, एक कलाकार होने के नाते वैसे तो सबकी अपनी अपनी राय होती है, मेरी भी अपनी कुछ राय है। तो मैं अपनी ये राय, मेरा बहुत ही निजी है, इसमें किसी का कहीं कोई दखलंदाजी नहीं है, तो ये राय मैं अपना जाहिर कर रहा हूँ आपसे। देखिए, जहाँ तक विकास का सवाल है, हिंदुस्तान जो पहले था आज कहाँ खड़ा है, अगर आप आज़ादी के समय से लेके 1947 से लेके अब तक का अगर कंपेयर करें तब तो हम बहुत आगे आए हैं, हमने बहुत तरक्की की है और हर क्षेत्र में तरक्की की है ना। ये सिर्फ नहीं हो सकता है कि भाई एक क्षेत्र में हमने तरक्की कर ली है और दूसरे किसी और उसमें नहीं। मैंने कहा, मैं देख रहा हूँ कि हर क्षेत्र में तरक्की हुई है, बहुत अच्छे लेवल पर हम पहुँचे हैं। जहाँ तक सवाल है कि क्या खोया क्या पाया, देखिए खोना और पाना जिंदगी के दो पहलू होते हैं, वैसे ही जब कुछ खोते हैं तो कुछ पाते हैं। वैसे भी आज़ादी से पहले तक हमने बहुत कुछ खोया है, जो हमले हुए हमारे ऊपर उन हमलों में हमने पता नहीं कितने लोग खोए, संस्कृति पे हमला हुआ, हमारे पहनावे पे हमला हुआ, खान पान पे हमला हुआ है, तो हमला हर लेवल पे हुआ है ना। और ये हमला इस लेवल पे था कि मतलब दूसरे संस्कृतियाँ जैसे हड़प्पन संस्कृति और इस तरह की संस्कृतियाँ खत्म हो जाती हैं, लेकिन हमारे अंदर कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, मतलब हमारी जो सनातन संस्कृति है वो आज भी बरकरार है। और कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो सचमुच में कुछ तो बात है कि आज भी हम कायम हैं और बहुत अच्छे लेवल पे हैं। पूरा वर्ल्ड हमारी तरफ आज देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, मतलब कि हिंदुस्तान जो विश्व गुरु पहले हुआ करता था, आज भी हम अपने दूसरे लेवल पे छोड़ दें, अगर चलो हम धन की बात ना करें, लेकिन बौद्धिक स्तर पे आज भी हिंदुस्तान उस जगह पे खड़ा है कि सनातन धर्म की जितनी आज चीजें हैं पूरी दुनिया बिल्कुल मतलब उसको लपक लेना चाहती है, उसको जानना चाहती है कि भाई क्या खूबसूरत चीज है। क्योंकि सनातन संस्कृति सचमुच में एक कौतूहल का विषय रहा है, एक खोज का विषय रहा है, वैज्ञानिक परेशान है कि भाई क्या है हिंदुस्तान के अंदर। अगर हम नेगेटिविटी छोड़ दें, पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूं, इसके अलावा सरकारों की बात अगर करें, मैं बहुत पॉलिटिकल आदमी हूं नहीं, मैं कटाक्ष और कमेंट करने वाला उस तरह से नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि हर सरकारों की अपनी अपनी जो है वो नीतियां होती हैं। कुछ कांग्रेस की नीतियां थी, अभी भाजपा सरकार शासन में है तो उसकी अपनी नीतियां हैं, मोदी सरकार क्या कर रही है वो सब आप लोगों को पता ही है। समय के हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जब समय की गति के साथ हम चल पाए, मुझे लगता है उससे बेहतर कुछ होता नहीं है, है ना। तो ये है, देखिए जहां तक बुनियादी सुविधा का सवाल है, तो हम एक आम इंसान हैं, हमें बहुत ज्यादा जो है वो उस तरह से नहीं चाहिए होता है, जो मूलभूत आवश्यकता है कपड़ा रोटी मकान के अलावा भी आज के रेट में कुछ मूलभूत आवश्यकता जैसे बिजली हो गया, पानी हो गया, है ना, सही शुद्ध हवा ले लें हम, शुद्ध खाना खा लें, है ना, तो ये सब बुनियादी आज की चीज में हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, बुनियादी चीजों की जहां तक आपूर्ति का सवाल है, हो रहा है, सही है, लेकिन जो मिडिल क्लास है ना, ये मेरी शिकायत रही है, खुद मैं ये महसूस कर रहा हूं कि जो मिडिल क्लास है बेचारा, बीच का जो क्लास है वो हमेशा से ही पिसता रहा है और आज भी पिस रहा है। उसकी ख्वाहिशें बड़ी होती हैं, सपने बड़े होते हैं, लेकिन उसके पास धन नहीं होता है, पैसे नहीं होते उसको पूरा करने के लिए। और अगर महंगाई का मार सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो मिडिल क्लास पे ही पड़ा है। तो हम जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनका बड़ा बुरा हाल है। डेफिनेटली सरकारों को मैं चाहूंगा, मैं ये आप लोग गुजारिश करूंगा कि सरकारें मिडिल क्लास के लिए जरूर नीतियां बनाएं, उनके जीवन स्तर में भी सुधार हो, क्योंकि जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो उच्च वर्ग के, उन लोगों को बहुत फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं बहुत करीब से मैंने देखा है, सबसे ज्यादा मध्यम वर्गीय जो लोग हैं वो प्रभावित होते हैं। गांव तक जहां तक विकास की लहर पहुंचने का सवाल है, देखिए गांव में, चूंकि मैं गांव से हूं, बिहार का एक गांव है वहां मोतिहारी जिले में, पूर्वी चंपारण में, और मेरा गांव जो पहले था आज, जमीन आसमान का फर्क है, मतलब नॉर्मल फर्क नहीं है, बहुत बड़ा फर्क है। सिर्फ जहां तक सड़क का सवाल है, सड़क तो कभी ठीक हुआ ही नहीं, तो उस कारण छोड़ ही दीजिए आप, वो सड़क कब बनता है कब टूट जाता है पता ही नहीं चलता, और एक बार वो ठेकेदार बना के जाता है फिर कई साल तक नहीं बनता है,
तो वो एक छोड़ी दीजिए। जहां तक लोकल्स गवर्नमेंट का सवाल है या फिर केंद्र सरकार का सवाल है, आपस में कितना कोऑर्डिनेशन है वो भी एक राजनीतिक मुद्दा है, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन गांव में मैंने देखा है तरक्की हुई है, लोगों के पक्के मकान बन गए हैं, बिजली है घर घर में, टेलीफोन घर घर में है। उसके अलावा मैंने ये देखा है कि मतलब लोग तरक्की कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, बाहर से ही पैसा आ रहा है। गांव के लोग, ज्यादातर लोग बाहर रहते हैं, मतलब बिहार से बाहर बड़े शहरों में, तो वहीं से कुछ पैसे कमा के, मजदूर वर्ग के लोग हों चाहे मिडिल क्लास के लोग हों चाहे नौकरी वाले लोग, वो सब ना सब कहीं ना कहीं वो पैसे कमा के अपना वो तरक्की कर रहे हैं। तो ये विकास तो हुआ है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं। देखिए, तकनीकी और वैज्ञानिक तरक्की को विकास मैं नहीं मानता हूं। मेरी अपने विकास की परिभाषा अलग है। मैं ये मानता हूं कि बौद्धिक स्तर पे अगर आप ऊंचाई तक गए तभी आप विकसित हैं। अगर आपके पास बहुत पैसा है और बौद्धिक लेवल पे जीरो है तो आप कुछ नहीं है, आपको सारा पैसा बेकार है। तो मुझे लगता है कि बौद्धिक स्तर पे हम कहीं ना कहीं आज बहुत नीचे हैं। उनमें उस बौद्धिक स्तर को नीचे लाने में हम लोगों का बड़ा एक योगदान रहा है, बहुत बड़ा एक हाथ है, क्योंकि संस्कृतियों पे हमला हुआ है। जो हमला हुआ मुगलों का हो चाहे अंग्रेजों का, उन्होंने सबसे पहले संस्कृति, आज देखिए संस्कृत हम नहीं पढ़ते हैं। आज हमारे स्कूल में इंग्लिश की जो शिक्षा है वो ज्यादा हावी है। इंग्लिश में बच्चों को बोलते हैं कि जो स्कूल में कि इंग्लिश बोलो, हिंदी नहीं बोलना है आपको। ये क्या है, मतलब हमारी जो संस्कृति, हमारी पहचान ही मिटा दिया उन्होंने। हम आज कुर्ता पहनने में शर्माते हैं, पैजामा पहनने में हमें शर्म आती है ना, या हम जो शर्ट पैंट और टी शर्ट और जींस और इस तरह के पहनावे को पसंद करते हैं। खाना खाइए तो वेस्टर्न खाने हमको पसंद आते हैं, मैकडी और ये सब चीजें। अपना जो यहाँ का ऑथेंटिक खाना हिंदुस्तान का, जो हर जगह जगह का अलग अलग, क्या उसमें जो है वो विभिन्नता है और उसमें इतनी बेहतरीन चीजें हैं उस खाने में, अगर आप देखें तो आपको लगेगा हमसे सचमुच में महान कोई देश नहीं था और आज भी नहीं है अगर हम अपने रूट पे आ जाएं तो। लेकिन हम पता नहीं बार बार पश्चिम की तरफ देखते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पे भी बदलाव हुआ है। हमारे पूरे डीएनए को, पूरा मेंटल थॉट्स प्रोसेस, उसको पूरा चेंज कर दिया उन्होंने, है ना। तो इसलिए हम आज भुगत रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग फिर से अपनी संस्कृति की तरफ लौटें। मैं अपना गुजारिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद ये कर रहा हूं। ये मेरा टी शर्ट पहन के आप ये मत देखिएगा, टी शर्ट मैं पहना हुआ हूं तो इसलिए ऐसा बोल रहा हूं। टी शर्ट ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा आप वो नहीं कर सकते। लेकिन जहां तक बात थॉट प्रोसेस का या बौद्धिक लेवल का, अगर संस्कृत पढ़ें, अपने जो सनातन संस्कृति की जो किताबें हैं, गीता है, उपनिषद है, वेद है, अगर आप उसको पढ़ें, आपको पता चलेगा कि हम किस लेवल पे थे, आज हम किस लेवल पे हैं। आज की जो पढ़ाई है लॉर्ड मेघालय की शिक्षा पद्धति, वो सिर्फ नौकरी दे सकता है आपको, लेकिन बौद्धिक लेवल पे ऊंचा नहीं बना सकता आपको, आपके अंतर यात्रा में आपको नहीं ले जा सकता। बाह्य यात्रा में आप भले पैसे कमा के धनी बन सकते हैं, लेकिन अंतर यात्रा बहुत जरूरी है। अभी तक जो विकास के कदम उठाए हैं सरकारों ने, उसमें मैं सबसे पहले तो यही देखूंगा कि जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है। अभी जो कानून जिसकी बात भी हो रही है, मैं सबसे नंबर वन पे रखता हूँ, क्योंकि जनसंख्या अगर इतना ज्यादा होगा फिर आप कहाँ से जो फैसिलिटीज हैं लोगों को आप प्रोवाइड कर पाएंगे। आप देखिए शहरों में कितनी भीड़ बढ़ रही है ना, तो एक वो होना चाहिए। दूसरा ये है कि जो फैसिलिटीज, शहरों का जो शहरीकरण हुआ वो बिल्कुल भी सही तरीके से प्लानिंग के तहत नहीं हुआ है, इसलिए आज देखेंगे सड़कों में पानी लग जाता है। शहरों में जो है वो, जो बारिश होती है तो समंदर का पानी आ जाता है। बॉम्बे की अगर मैं बात करूं, दिल्ली में भी वही हाल, यमुना नदी सूख रही है ना, तो बहुत बुरा हाल है। तो मतलब इस तरफ डेफिनेटली सरकारों को ध्यान देना चाहिए, शिक्षा पे बहुत ज्यादा ध्यान दें, और वो शिक्षा जो हमारी अपनी पहचान है। हम क्यों नहीं अपनी पढ़ाई करके नौकरी ले सकते हैं, बौद्धिक स्तर पे आगे बढ़ सकते हैं, डेफिनेटली बढ़ सकते हैं। लेकिन पाश्चात्य इतना हावी हो चुका है कि हमें वही अच्छा लगता है, ग्लैमराइज लगता है, लेकिन हमारा जो खुद की संस्कृति है, इससे बड़ा ग्लैमर कुछ नहीं है। अगर आप उसको झांक के देखें तो आपको पता चलेगा। 75 सालों में भारतीय सिनेमा में अगर बदलाव की बात करें तो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। 75 साल पहले हम कहाँ थे, मूक सिनेमा बनाते थे, ब्लैक एंड व्हाइट बनती थी सिनेमा, टेक्निकलिटीज में भी हम बहुत कमजोर थे। आज उन सब में हम आगे हैं, लेकिन हाँ, स्क्रिप्ट के लेवल पे, कंटेंट के लेवल पे मैं ये बोलूंगा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री थोड़ी सी कमजोर है। जब बड़े जो करोड़ों की जो फिल्में बनती हैं, 100 करोड़, 200 करोड़, उसमें आपको हर चीज मिल जाएगा, कंटेंट की कमी नजर आएगी। तो जो स्क्रिप्ट है, जो कहानी है, उसमें दम अगर है ना, तो आप अगर थोड़ा, मतलब आपका जो VFX है या टेक्निकल उसमें अगर कमजोर भी है तो चलेगा, लोग कहानी देखना पसंद कर रहे हैं। आज के डेट में मैं अभी की बात करूं तो आप देखिए कि जो हमारे दोस्त हैं एक्टर, जो सब काम कर रहे हैं, पंकज त्रिपाठी हैं, सीनियर्स हैं, संजय मिश्रा जी हैं, इस तरह के तमाम जो एक्टर्स हैं, उन एक्टर्स की अगर हम बात करें तो वो बड़े अच्छे लेवल पे जो है वो काम कर रहे हैं। उन लोगों की फिल्में, उन लोगों के अभिनय को ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है इंडस्ट्री।
तो मतलब ये हुआ कि हम कहानी और कंटेंट प्रधान जो फिल्में हैं, जिसको पुराने जमाने में श्याम बेनेगल साहब की जो फिल्में आर्ट फिल्में होती थी, तो उस तरह की फिल्में आज पसंद कर रहे हैं लोग, जिसमें कहानी हो, जिसमें कुछ बात कही गई हो, जिसमें कि एक, 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 एक किसी मुद्दे पे सवाल उठाया गया हो, तो वो ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, ना कि वो हीरो की मार धाड़ वाली फिल्में। तो फिल्मी सिनेमा में बदलाव बहुत हुआ है, हम टेक्निकली बहुत आगे आए हैं, लेकिन कंटेंट के लेवल पे कहीं कुछ कमी है जो मुझे लगता है कि थोड़ा होना चाहिए। देखिए, हर घर तिरंगा का विरोध जो कर रहे हैं, करने दीजिए, सरकारों की जो नीतियां होती हैं उसका विरोध और समर्थन दोनों होता है, तो हर घर तिरंगा बहुत अच्छी चीज़। अब एकदम देश से प्यार है कि नहीं है बताइए आप। पिछले हुआ था कि जब सिनेमा शुरू होता था तो हमें खड़ा होना पड़ता था जनगण मन गाने के लिए, भाई उसमें शर्म की क्या बात है? आप अपने देश के कल्चर को अगर आप बढ़ावा दे रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? क्या आपको अंग्रेज बनना है? इसलिए मैं नॉर्मली, मेरा अपना ये शब्द है, मैं बोलता हूँ ऐसे लोगों को देसी मुगल और देसी अंग्रेज, ये दो शब्द मेरा खुद का अपना इजाद किया हुआ है। मैं ऐसे लोगों को तपाक से बोलता हूँ, भैया ऐसा है, तुम देसी अंग्रेज मत बनो, देसी मुगल मत बनो, क्योंकि देश में रहते हैं हम अपने देश में और बात करते हैं उनकी तारीफ कर रहे हैं। अंग्रेजों ने अच्छा नहीं किया हमारे ऊपर हमला करके, मुगलों ने अच्छा नहीं किया है, मतलब क्या क्या नहीं किया, अगर मैं वर्णन करना शुरू करूंगा तो पूरा एक लंबा वीडियो बनेगा। तो उसको एकदम से हटाइए, अपनी संस्कृति पे जोर दीजिए, अगर सरकारें उसको कर रही है तो समर्थन दीजिए, मैं ये मानता हूं, उसमें कोई जाति या धर्म की बात ही नहीं है, वो हर किसी के लिए हो रहा है। हर घर में तिरंगा फहराना चाहिए, हम अपने देश से प्यार करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। तो जब देश से प्यार है तो तिरंगा फहराने में क्या शर्म की बात होनी चाहिए, तो हर घर तिरंगा होना ही चाहिए, है ना। और एक औरतों का सवाल है, मैं मतलब फेमिनिज्म या उस तरह की चीजों पे पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। एक चीज जो सिंपल सिंपल मुझे समझ में आता है बिल्कुल, वो ये है कि औरतों का समाज में जो पहली स्थिति थी उसमें बदलाव आया है। आज औरतों को, जैसे गांव में भी अगर बात करें, बिहार यूपी वगैरह जो इलाका है वहां पे औरतों को आज भी बहुत ज्यादा जमाने से, मतलब मैं अपनी दादी के जमाने से देख रहा हूँ कि बाबा पितृप्रधान समाज है तो बाबा ही मतलब हेड हुआ करते थे फैमिली का, औरतों की बात नहीं सुनना है, उनको सिर्फ अपना खाना बनाना है, पूजा पाठ करना है और बच्चे हैं तो बच्चों उसका देखभाल करो, तो उनका कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि उनका काम यही है। आज लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आज मैं देख रहा हूँ हर घर में औरतें नौकरी कर रही हैं, उनको सरकारें नौकरी दे रही हैं, साथ में वो खाना भी बनाती हैं, बच्चे भी पाल रही हैं, नौकरी भी कर रही हैं, तो मतलब ये बहुत बड़ी तरक्की हुई है ना, तो औरतों का विकास हुआ है। इक्के दुक्के ऐसी घटनाएं अगर होती हैं या किसी पुरुष की अगर मानसिकता ऐसी है जो औरतों का आज भी उसी तरह से देख रहा है, तो वो एक पर्सनल नजरिए की बात है, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि मास ऐसा बोल रहा है या जो आम लोग समूह है वैसा नहीं है। तो समूह में अगर देखें तो औरतों की स्थिति बदली है और मैं चाहूंगा कि इससे ज्यादा और भी आगे बदले। मैं अपने घर में मैं आवाज उठाता हूं अगर मैं इस तरह की चीजें देखता हूं तो हर घर में पर्सनल लेवल पे अगर आप इस चीज के अवेयरनेस फैलाएं तो मुझे लगता है इससे बेटर कुछ नहीं होगा। उसमें औरतें जो है वो खुद का ही विकास कर सकती हैं। मर्द को भी उस तरह से देखना होगा कि अब वो पितृसत्तात्मक वाली बात नहीं रही, आज औरतें भी उतना ही मजबूत है, उस तरह से ही इंपॉर्टेंट जितना कि एक पुरुष। तो पुरुष और मर्द, उसमें पुरुष और स्त्री उसमें कोई भेदभाव नहीं है और न करना चाहिए। जश्न मनाने के लिए सबसे पहले तो वही है कि हर घर में आप तिरंगा फहराइए। पहले होता था कि स्कूल में फहराते थे तो चलो, लेकिन जो स्कूल नहीं जा रहे हैं वो क्या करेंगे, या जो ऑफिस नहीं जाते हैं तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो अपने घर में तिरंगा फहराइए ना, क्या पूरा प्रॉब्लम है, अच्छी बात है। मिठाई खाइए, जलेबी खाइए, है ना, बुनिया हम लोग खाते थे, जलेबी बड़ा अच्छा लगता था उस दिन। 15 अगस्त को छुट्टी मना, लेकिन बहुत सारे लोग 15 अगस्त को सिर्फ सोने में निकाल देते हैं। सोना ठीक है, समय मिल रहा तो सो जाइए, लेकिन अपने अपने देश के लिए एक दिन कम से कम मुकर्रर किया गया है तो उसका इस्तेमाल कीजिए, देश के हित में उसका इस्तेमाल होना चाहिए। जहां तक विकास का सवाल है, देखिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि आज भी लोग ना लिटरिंग करते हैं, मतलब गंदगी फैलाने में हम बहुत मास्टर हैं। पता नहीं हिंदुस्तान में स्वच्छता को लेकर जो एक मोदी जी का मुहिम था वो इसलिए था कि हम लोग आज भी अवेयर हुए ही नहीं है। पता नहीं मतलब मुगलों से पहले की क्या स्थिति थी मुझे नहीं पता, लेकिन आज की स्थिति है कि हम अभी भी कहीं भी कचरा फेंक देते हैं, कहीं भी पेशाब कर देते हैं, कहीं भी नहा कर टट्टी भी करते हैं मतलब। तो इसलिए जरूरी यह है कि आप स्वच्छता का ध्यान रखें, हाइजीन जो कंडीशन है उसको एकदम मेंटेन रखें, तो स्वच्छता। दूसरा, प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करिए, है ना, सबसे जरूरी ये है। तीसरा ये है कि पॉल्यूशन जो फैलाना है, प्रदूषण, उस पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रदूषण आज के डेट में हमारे हिंदुस्तान का ही नहीं पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिसकी वजह से मौसम में परिवर्तन हो रहा है। मौसम परिवर्तन की वजह से सिर्फ एक देश प्रभावित नहीं है, हर एक इंसान प्रभावित हो रहा है। किसानों की फसल बर्बाद हो रही थी, बारिश नहीं हो रही तो किसान क्या करेगा, पानी पटा के आप कितना खेत को उपज कर लेंगे आप, तो बारिश पे ही आज भी बहुत डिपेंड है किसान। बारिश ही नहीं हो रही समय पे, कहीं पे बर्फ पड़ने लग रहा है जहां पे कभी बारिश नहीं होती थी, तो ये बड़ा अजीब सा उथल पुथल है।
उसमें हमारा योगदान जरूर होना चाहिए पर्सनल लेवल पे भी। तो ये हम अपने देश के विकास में मुझे लगता है कि पर्सनल लेवल पे ये योगदान कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। हम सब देशवासियों को आज़ादी का अमृत महोत्सव मुबारक हो। आज़ादी सब लोगों को मुबारक हो। देश की तरक्की में ही हमारी तरक्की है, तो देश की तरक्की में अपना योगदान चाहिए।